तो हुआ ऐसा है कि हम पूरा सामान तो लेके आ गए और हम आके फ्रेश हो गए हैं। अब करना है यहाँ पे डेकोरेशन चालू। तो हमारा था इको फ्रेंडली गणपति, तो इसलिए हम डेकोरेशन भी करेंगे इको फ्रेंडली। ये हमारा डाइनिंग स्पेस है जिसको हम एक अच्छे से पीछे से डाइनिंग टेबल मतलब खिसका के और अच्छा सा एक मतलब यहाँ पे डेकोरेशन है। ये अभी पूरा ब्लैंक लग रहा है, अभी कुछ भी नहीं समझ रहे कि क्या होने वाला है। अब हम चालू करते हैं, हम तो चालू कर रहे हैं। उमेश ने गणपति के डेकोरेशन को इतना सीरियसली लिया है, ये देखो। अरे एक मिनट, मेरा कैमरा घुसने दो, ये क्या कर रहा है? अरे यहाँ पे रस्सी बांधनी है यार, और बंद नहीं रही है तो इसलिए अंदर घुसना पड़ रहा है। और खुद तो कर रहा है बट उमेश को असिस्ट कौन कर रहा है? ये देखो हमारी प्यारी नानी, नानी हमारी नानी करी। तो एक लाइन तो रेडी हो गई है, सेकेंड लाइन की बारी। इतना ना अगर आज मैंने अपनी पढ़ाई में ध्यान दिया होता ना। उमेश वैसे मैं एक बात बोलूं, तू तो सब चीज में टैलेंटेड है, बस एक खाना ही तुझे बनाना नहीं आता। अगर उसमें भी तू टैलेंटेड हो गया तो तू तो ऑलराउंडर हो जाएगा। तो फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो गया है, बस अभी हमको ये जो फूल की माला है ये नीचे कर रहे हैं। एशिया कप टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और हमें चाहिए कि इस बार इंडिया ही टूर्नामेंट जीत जाए। हमें इंडिया को सपोर्ट करना है। हाँ। पर वो हम कैसे करेंगे? हाँ। परी मैच प्लेटफॉर्म यूज करके। वाओ, इसमें आपको अपनी फेवरेट टीम का रिजल्ट प्रेडिक्ट करना है। हाँ। ये बहुत ही इजी और फास्ट है, बस आपको कुछ क्लिक करना है और आप गेम के अंदर। सही है। और इसकी और एक अच्छी बात ये है कि इसमें जो मिनिमम डिपॉजिट है वो बहुत ही लो है। इसमें विड्रॉल और डिपॉजिट करना भी बहुत इजी और फास्ट है। और इनको बता तो सही कि परी मैच के साथ कौन एसोसिएटेड है? बताओ, डेल स्टेन खुद। यस। और इतना ही नहीं, परी मैच में ना आप जब आते हो तो आपको मिलता है 20,000 रुपए का बोनस फॉर न्यू यूजर्स। और अगर आप मेरी स्पेशल लिंक से जाते हो जो हमने डिस्क्रिप्शन में दी है तो आपको मिलता है आपके इनिशियल डिपॉजिट में 150% का बोनस। अरे वाह, जिससे आपके प्रेडिक्ट करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और उससे प्रॉफिट करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अरे वाह, है कि नहीं अमेजिंग? हाँ। तो जाके अपनी इंडियन टीम को सपोर्ट करो। Yes. परी मैच को विजिट करो, जाओ खेलो और जीतो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे क्यूट क्यूट गणपति आ चुके हैं हमारे हाथ में। कैसे दिखते हैं ना वो हम आपको बाद में बताएंगे। Yes. चलो चले फिर। गणपति पप्पा, गणपति पप्पा, जय जय गणपति का, जय जय कार। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। टाइगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो? देखो गणपति के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मुझे लग रहा है मैंने तो भी 4-5 साल बाद पूछा था। अच्छे से मारो, थोड़ा अच्छे से। वो देखो वहाँ कोने पे ऐसे काम चोर के काम करते हो ना। वैसे गाइस, आपको भी अगर आपके घर के लिए काम वाला बाया चाहिए होगा तो ये है उमेश कुकरेती। और कितना लेगा, कितना लेगा वो तो बता। 150 रुपए लेगा। 150 रुपए 150 रुपया देगा।
और मैं बताऊ 150 रुपए कौन सा वालों में, जैसे गणपति के बाजू के 3 टायर चले पूरा मारा वो मारा कट्टा 150 रुपए का। कमेंट करके बताना क्या क्या आपके घर का एड्रेस होता है, मैं आपके घर पे आऊंगा, घर पे पूछा तो फाइनली हम नहा धो के रेडी हो गए हैं। yes, उमेश ने फाइनली कितने दिन बाद नहाया तू? वो हम बाद में बताएंगे हम आपको, बट आज देखिए वापस बेशर्मी की हद पार करने कौन आ गया है। गाइस आपने देखा एक मिनट शौर्य कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया और शौर्य का फेसिंग भी चेंज हो गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है चेंज हो गया। अल्ले माजी शौर्य शौर्य को कॉम्प्लेन और बॉर्नविटा मिला के प्रीति ने जल्दी बड़ा कर दिया, बहुत जल्दी बड़ा हो गया। गाइस वैसे थैंक यू आप लोग, आई लव मुझे दे दो, मुझे सामान ले दे दो। ये तुम्हारे लिए नहीं पापा के लिए खाना लाया है। पापा ने बोला कि पहले हम टेस्ट करके देखेंगे, हम ही खाने वाले ना, तो अभी दे दो हमको। अरे अंदर तो बुला, देखो क्या जा रही है। तो मैं और संकेत स्पेशली बापा के लिए लेके आए हैं मोदक। आपको पता है कि बापा को कितने पसंद है, तो ये उकड़ीचे मोदक जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, जो हम गणपति के टाइम पे बनाते हैं। तो एक हो गया बापा को और ये सब बाकी हम प्रसाद में बांट देंगे, है ना। मैं दीवार साफ कर रहा हूँ अभी। हाँ कैसी है प्रीति? मैं तो अच्छी हूँ। वैसे बापा बहुत बापा के पेट में जाने वाले, तेरे पेट में नहीं। मैं भी मायरा का पप्पा है ना, बापा पप्पा। तो यहाँ पर हम एक सेरेमनी करने वाला है जिसमें हमने रखी है 7 चीजें, सात में से कोई एक चीज मायरा को सिलेक्ट करनी है। okay. तो 7 चीजें ये है कि पहले रखी हमने मिट्टी, अगर मिट्टी सिलेक्ट की तो इसको मिलेगी पुश्तैनी जायदाद जो उमेश के पास बहुत है। okay. मेरे पास ही गाड़ी है, मेरे पास बोलता है हमें पता है। दूसरा है मेकअप का सामान, अगर मेकअप का सामान सिलेक्ट करती है तो ये बहुत नखरे करने वाली। तो तीसरा रखा है हमने बुक, तो बुक का मतलब होता है कि वो बहुत पढ़ाकू बनेगी। चौथा रखा है चावल, चावल मतलब वो बहुत खाना बनाएगी और खुद भी खाएगी, दूसरे को भी खिलाएगी। खाएगी तो बाद में रखा है सोना, सोना सिलेक्ट किया मतलब वो बहुत पैसे वाली होगी, धनवान होगी। मुझे लगा सोना में सो ही रही है, ज्यादा सोना पसंद नहीं, वैसा वाला सोना नहीं होता है। ओके रखे है पैसे मतलब वो दूसरों को दान करेगी। ओ पैसे सिलेक्ट करेगी फिर उसके सामने हम लोग सब खड़े हो जाएंगे। और फिर रखा है लास्ट में एक टॉय का मतलब वो बहुत खेलकूद करेगी। तो चलो देखते हैं कि मायरा फ्यूचर में क्या बाबरी। चलो मायरा चलते, मायरा किधर किधर जा रही है, क्या है भाई जी? उसको अब सोना चाहिए, सोना चाहिए। संकेत तो सोने का मतलब क्या था? सोने का मतलब ये था कि वो बहुत धनवान बनेगी। ओह माय गॉड, संकेत चलो चलो उधर उधर नीचे सोना पड़ा हुआ है, इसे उनका ध्यान बच्चे पे ही है। हाँ गोल्ड सी लग गया है, सेरेमनी खत्म खत्म, बाय बाय। अरे अरे मॉम, ए पैसा कहाँ गया? कहाँ गए? तो गाइज अभी होने वाली है अन्नप्राशन की सेरेमनी। ये विधि होती है जहाँ पर मायरा अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम कुछ तो सॉलिड फूड खाने वाली है, यानी कि अपना नॉर्मल फूड होता है तो पहली बार चखने वाली है। तो चलो देखते हैं। तो अब अन्नप्राशन में ऐसा रूल है कि मायरा को उसका मामा खिलाएगा, और मामा कौन है? संकेत मामा। थाली है तो इसमें सभी फ्लेवर्स है, जैसे तीखा मीठा पूरी सब सब है, पानी वानी सब है। तो संकेत अभी मायरा को खिलाने वाले, सबसे पहले मायरा को मीठा खिलाते हैं। मीठा खिला रहे हैं, मायरा फर्स्ट बाइट लाइफ का। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण ध्वजा मंगलम पुनरेकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे या देवी सर्वभूतेषु वातुभिः। या लाइफ का फर्स्ट पानी ना एक्चुअली। आहा आहा
हेलो माय रानी, अब बारी है दाल की। डाका आकर गुस्से की बात कर रही है, अटक गया। तो आज हमारे पापा का है विसर्जन का दिन, अभी उनका जाने का टाइम आ चुका है। एक्चुअली डेढ़ दिन कैसे चला गया हमें पता ही नहीं चला। तो अभी हम लास्ट आरती लेते हैं और उसके बाद विसर्जन करते हैं। तो सबसे बुरा टाइम हमारा, बहुत अच्छा टाइम भी, ये विसर्जन का। फाइनली गणपति बाप्पा अपने घर चले गए हैं और हमारा आज का ये गणपति स्पेशल ब्लॉग खत्म हो रहा है यहाँ यहीं पे। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आप भी गणपति आपके घर में आते हैं या नहीं आते, और आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। तो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति चलले गेले गेले, चैन पड़े ना हमारा, मंदिर मामा की।